बात आज राजस्थान के ऐतिहासिक दिन की, जब राजस्थान 50 जिलों वाला राज्य हो चुका है। आज मुख्यमंत्री ने 19 जिलों का यथावत विधिवत शुभारंभ कर दिया है। आज से अस्तित्व में आ गए हैं 19 नए जिले। और आपको बता दें, ये हैं जयपुर, बालोतरा, डीग, अनूपगढ़, नीम का थाना, जोधपुर, शाहपुरा, गंगापुर सिटी, फलौदी, और सभी जगहों पर विधिवत कार्यक्रम के साथ में और हम आपको दिखा रहे हैं सबसे बड़ी कवरेज, जहां पर आज 19 जिले जो हैं वो अस्तित्व में आ चुके हैं। सभी जिलों में विधिवत कार्यक्रम हुआ है, सर्वधर्म सभाएं हुई हैं, और आप देख सकते हैं तस्वीरें हर जिले से जो आज अस्तित्व में आ चुका है। आज इन 19 जिलों का विधिवत पूजा अर्चना के साथ में, सर्वधर्म सभा के साथ में आज इनका अस्तित्व शुरू हो चुका है। और आप हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें विभिन्न जिलों से, जयपुर, बालोतरा, डीग, अनूपगढ़, डीडवाना, नीम का थाना, जोधपुर, शाहपुरा, गंगापुर सिटी और फलौदी। और मेरी सहयोगी हिमाद्री आपको बताएगी इन जिलों के बारे में। ओवर टू हिमाद्री। बिल्कुल शालिनी, देखिए राजस्थान का आज एक तरफ जहां भौगोलिक स्वरूप बदला है, वहीं कहीं ना कहीं राजस्थान का राजनीतिक समीकरण भी अब बदलता नजर आ रहा है। 19 नए जिलों की घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से, और आज उन 19 नए जिलों का जो है विधिवत पूजन के साथ, सनातन परंपरा के साथ जो है उद्घाटन हो गया है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअल तौर पर इस उद्घाटन में शामिल हुए, और आज से जो हमारा राजस्थान है वो 50 जिलों वाला हो चुका है। और अब से राजस्थान का भूगोल बदल गया है, राजस्थान का जीके बदल गया है। राजस्थान में 50 जिले होंगे, एक एक करके हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है राजस्थान में ये जो 19 नए जिले हैं इन्हें शामिल किया गया है। तो ग्राफिक्स के थ्रू जानेंगे। देखिए, बात अगर अनूपगढ़ की करें तो सबसे पहले गंगानगर से अनूपगढ़ को अलग किया गया, अनूपगढ़ को जिला घोषित किया गया, जिसका आज उद्घाटन किया है वर्चुअल तौर पर मुख्यमंत्री ने। और ऐसे में अगर अनूपगढ़ की बात करें तो अनूपगढ़ में रायसिंह नगर, श्री विजय नगर, घड़साना, और घड़साना की तहसील रहेगी घड़साना और रावला। वहीं छतरगढ़, खाजूवाला को बीकानेर का पहले भाग था जिसे कि अब अनूपगढ़ का भाग बना दिया गया। अनूपगढ़ खुद गंगानगर में शामिल था लेकिन अब एक सेपरेट जिला होगा, अलग जिला होगा। और ऐसे में आगे अगर हम बात करें, ये आप नक्शा देख सकते हैं कि किस तरह से जो है, ये अनूपगढ़ का नक्शा आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो है परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला है। और आगे अगर बात करें तो बालोतरा की अगर हम बात करें तो बाड़मेर से बालोतरा को एक अलग जिला बनाया गया है। पहले बाड़मेर का अंग था लेकिन अब एक अलग जिला होगा। और बालोतरा की बात करें तो बालोतरा में तहसील बनाई गई है पचपदरा और कल्याणपुर को, उसी के साथ सिवाना और समदड़ी, ये दो तहसील रहेंगी। बायतू की अगर बात करें तो बायतू और गिड़ा रहेंगी, और सिणधरी जो है सिणधरी तहसील रहेगी। और ये जो पूरा नक्शा है ये बालोतरा का पूरा नक्शा रहेगा, इसके केंद्र में बालोतरा रहेगा, पचपदरा, गिरा, बायतू, कल्याणपुर, समदड़ी, सिवाना और सिणधरी। तो ये जो पूरा आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये बालोतरा का जो मैप है वो रहेगा, जो अब राजस्थान में एक अलग जिला बन चुका है, उन 19 जिलों में शामिल है जिनकी घोषणा सीएम गहलोत ने की थी। और इसी तरह जो है तमाम जो जिले हैं वो बनाए गए हैं। अब बात करें ब्यावर की, तो ब्यावर को अजमेर से अलग किया गया है, पहले अजमेर का हिस्सा था लेकिन अब अलग कर दिया गया है। और ब्यावर में बात करें तो ब्यावर, टाटगढ़, जैतारण, रायपुर, मसूदा, विजयनगर और बदनोर को शामिल किया गया है। और अगर नक्शे की बात करें तो ये जो नक्शा है ये ब्यावर जिले का होगा। देखिए आप देख सकते हैं ब्यावर का ये नक्शा रहेगा, जैतारण, रायपुर, बदनोर, विजयनगर और मसूदा ब्यावर में शामिल है। मसूदा पहले अजमेर का हिस्सा हुआ करता था, ब्यावर खुद अजमेर का हिस्सा हुआ करता था लेकिन अब जो है अलग से एक जिला होगा। तो ये वो पूरा नक्शा आप देख पा रहे हैं, ये वो पूरा नक्शा रहेगा ब्यावर का। और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिग की। तो डीग की अगर बात करते हैं तो भरतपुर से अलग किया गया है, भरतपुर का हिस्सा था पहले लेकिन अब एक अलग जिला बनके
सामने आया है। तो डिग की अगर बात करें तो डिग के साथ जनूथर को तहसील घोषित किया गया है, कुम्हेर के साथ रारह को किया गया है, वहीं नगर को तहसील बनाया गया है। सीकरी, कामा, जुरहरा और पहाड़ी ये जो क्षेत्र है ये अब जो है डीग जिले के अंतर्गत आएंगे। और अगर नक्शे की हम बात करें तो ये जो पूरा नक्शा आपको अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर दिख रहा है ये पूरा डीग का नक्शा रहेगा, जिसमें जुरहरा, पहाड़ी, कामा, सीकरी, डीग, नगर, जंथुहर, कुम्हेर और रारा रहेंगे। तो ये जो पूरा नक्शा है वो बदल गया है, पहले भरतपुर के अंतर्गत आता था लेकिन अब डीग अपने आप में एक जिला है और ये उस जिले का नक्शा रहेगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डीडवाना कुचामन की। नागौर से अलग किया गया है, पहले नागौर का हिस्सा था डीडवाना कुचामन, काफ़ी लंबे समय से जिला बनाने की मांग चल रही थी और ऐसे में ये मांग सीएम गहलोत ने पूरी करी और आज जो है एक जिला बनकर सामने आया है। और ऐसे में आप देखिए डीडवाना को जो है इसमें दो तहसीलों में बांटा गया है, डीडवाना, मौलासर, तीन तहसीलों में बांटा गया है डीडवाना को, डीडवाना, मौलासर और छोटी खाटू। इसके बाद लाडनू, पर्वतसर, मा और कुचामन सिटी, ठीक है। नागौर से अलग हुआ है डीडवाना कुचामन, एक बड़ा जिला बना है। और यहाँ पर अगर ये नक्शे की बात करें तो ये नक्शा रहेगा डीडवाना कुचामन का, जिसमें लाडनू, डीडवाना, मौलासर, छोटी खाटू, मकराना, पर्वतसर, कुचामन सिटी और नावा को शामिल किया गया है। तो ये अब नक्शा नजर आएगा डीडवाना कुचामन का। और ऐसा ही नहीं, राजस्थान के नक्शे में भी अब कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बात करें दूदू की, सबसे छोटा जिला जो राजस्थान का बना है वो दूदू है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो है जैसलमेर, सबसे छोटा पहले धौलपुर हुआ करता था लेकिन अब दूदू सबसे छोटा जिला होगा। तो ये तीन तहसील दूदू में रहेंगी, मैजमाबाद, दूदू और फागी। और ये कुछ इस तरह का नक्शा नजर आएगा, दूदू, मैजमाबाद और फागी, ये जो है ये दूदू का नक्शा रहेगा। अब देख सकते हैं कि सबसे छोटा जिला राजस्थान का, यहाँ पर हम धीरे धीरे आपका जो जीके है, जनरल नॉलेज है, उसे भी क्लियर करते जा रहे हैं। जैसे कि बात पहले धौलपुर हुआ करता था लेकिन अब ये जीके बदल चुका है, अब दूदू राजस्थान का सबसे छोटा जिला होगा। और ये नक्शा है, मैजमाबाद, फागी और दूदू, ये तीन तहसीलें मिलकर जो है दूदू जिला बना है। आगे बात करेंगे गंगापुर सिटी की। गंगापुर सिटी की अगर बात करते हैं तो गंगापुर, तलवाड़ा को तहसील बनाया गया है, इसके साथ वजीरपुर, बामनवास, बरनाला, टोडा भीम और नादोती। और कुछ इस तरह का नक्शा अब नजर आएगा गंगापुर सिटी का, तो भीलवाड़ा से अलग हुआ है, टोडा भीम, नाडोती, बामनवास, बरनाला, तलवाड़ा, गंगापुर और वजीरपुर, ये इस तरह का कुछ जो है नक्शा नजर आएगा अब गंगापुर का, क्योंकि अपने आप में एक अलग जिला बन गया है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और बात राजधानी जयपुर की करते हैं, तो राजधानी जयपुर को भी दो भागों में बांटा गया है, जयपुर और जयपुर ग्रामीण। और ऐसे में जो उपखंड रहेंगे, अगर जयपुर उपखंड की बात करें तो जयपुर तहसील का नगर निगम जयपुर हेरिटेज एवं नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत जो पूरा भाग आता है वो इसमें शामिल रहेगा। कालवाड़ की अगर बात करते हैं तो तहसील कालवाड़ का नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत जो पूरा भाग आता है वो शामिल रहेगा। आमेर की अगर हम बात करते हैं तो आमेर का नगर निगम हेरिटेज के अंतर्गत जो पूरा भाग आता है वो इसमें शामिल रहेगा। सांगानेर की यहाँ पर बात करते हैं तो सांगानेर का नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत जो भी भाग आता है वो शामिल रहेगा। तो राजधानी जयपुर को लेकर जब इसे विभाजित किया गया था, जब नए जिले बनने की बात आई थी तो काफ़ी विरोध भी हुआ था, जिसके बाद ये समाधान यहाँ पर निकाला गया कि जयपुर और जयपुर ग्रामीण कर जो हैं दो अलग जिले बनाए गए। और अब बात करते हैं जयपुर ग्रामीण की। अगर जयपुर ग्रामीण की बात करें तो ये जो है आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये नक्शा रहेगा जयपुर ग्रामीण का, जिसमें आप शाहपुरा, चोमू, किशनगढ़, रेनवाल, जोबनेर, खुलेरा, सांबर लेक, साथ ही कालवाड़, जलसू, रामपुरिया,
दबारी, अंबेर, जम्वा रामगढ़, आंधी, बस्सी, तुंगा, सांगर, इनको शामिल किया गया है। जयपुर ग्रामीण का भाग रहेंगे, क्योंकि पहले जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण की जब बात आई थी तो कई तरह का विरोधाभास सामने आया था, लेकिन अब जयपुर को दो भागों में बांटा है, जयपुर और जयपुर ग्रामीण। तो ये जो आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये जयपुर ग्रामीण का पूरा नक्शा है, जिसमें चाक्षु शामिल है, माधोराजपुरा शामिल है, और इसी में अब हम आगे अगर बात करते हैं तो जयपुर ग्रामीण को लेकर, तो जयपुर, सांगानेर, आमेर, बस्सी, चाक्षु, जम्वा रामगढ़, चौमू, सांबर लेक, माधोराजपुरा, रामपुरा, डबाड़ी, किशनगढ़, रेनवाल और जोबनेर को इसमें शामिल किया गया है। जयपुर की अगर बात करते हैं तो हेरिटेज ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला पूरा भूभाग है, कालवाड़ का नगर निगम ग्रेटर के अंतर्गत जो भाग आता है वो है, और सांगानेर की अगर बात करते हैं तो जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाले पूरे भाग को छोड़कर जो भाग है वो आएगा सांगानेर में। आमेर की बात करें तो हेरिटेज के अंतर्गत वाले भाग को छोड़कर जो शेष भाग है। इसी तरह बस्सी की बात करें तो दो तहसील बस्सी और तुंगा सामने आती हैं। चाक्षु की बात करें तो चाक्षु और कोट खावदा का यहाँ नंबर है। वही जम्वा रामगढ़ की बात करें तो जम्वा रामगढ़ और आंधी दो तहसील, चौमू अपने आप में तहसील, वहीं सांबर लेक की बात करें तो फुलेरा मुख्यालय रहेगा सांबर लेक का, और माधोराजपुरा की बात करें तो माधोराजपुरा खुद तहसील रहेगा, रामपुरा, डबाड़ी, किशनगढ़, रेनवाल, जोबनेर और शाहपुरा। तो यहाँ पर एक अलग जो है राजस्थान का एक भौगोलिक स्वरूप अब देखने को आएगा, अलग सांस्कृतिक विरासत देखने को मिलेगी। बात करें केकड़ी की तो प्रस्तावित की अगर बात करें तो कुछ इस तरह का ये नक्शा नजर आएगा केकड़ी का, प्रस्तावित जिला है केकड़ी, और इस तरह का कुछ आपको नक्शा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं जोधपुर की, क्योंकि देखिए जोधपुर को लेके भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, और अब जो है स्थिति साफ हो चुकी है जोधपुर को लेकर। तो जोधपुर में जो है जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण दो भागों में विभक्त किया गया है, दो जिले बनाए गए हैं। 50 जिलों का राजस्थान आज हो गया है, क्योंकि अब 19 और जिले इसमें जुड़ गए हैं, और इसी के साथ राजस्थान अब वृहद स्तर पर हो गया है, क्योंकि जो मांग है, जो उम्मीद है, वो बहुत कम ऐसी थी। 2008 में प्रतापगढ़ एक आखिरी जिला बना था, और उसके बाद चाहे वो बीजेपी का काल रहा हो और चाहे अब कांग्रेस आई हो, उन दोनों समय में यही उम्मीद की जा रही थी कि जल्द से जल्द जिले बने। ये उम्मीद अभी भी जारी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे और जिले हैं या कहीं शहर हैं जिनको जिला बनना बाकी है, और वो उम्मीद भी कर रहे हैं। हमारे सहयोगी लाल सिंह हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। लाल सिंह, आज की जो तस्वीरें नजर आई, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कहा हो, उन तमाम चीजों पर जरा नजर डालें। देखिए, मेगा सीएम ने अपनी शुरुआत की थी जन भावनाओं का हुआ सम्मान, अब 50 जिलों का हुआ राजस्थान, इस बात के साथ अपनी उन्होंने शुरुआत की, भाषण की। लेकिन आप देखो, हम लगातार जो जुड़े हुए थे, आप भी साथ थे जी। हमने पूरा भाषण सुना, पूरा उद्बोधन सुना, तो उसके मायने निकाल सकते हैं कि ना केवल इन 50 जिलों के साथ मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बड़ा सियासी दाव भी चल दिया है। इस दौरान उन्होंने पहले जिक्र किया कि पहले 26 जिले थे जब राजस्थान की स्थापना हुई, धीरे धीरे जिलों की संख्या 31, 32, 30 हुई, 33 हुई, प्रतापगढ़ लास्ट जिला था, और इसके बाद अब 50 जिले बन गए, 10 संभाग बन गए मेगा। लेकिन बहुत कुछ बदला है, काफ़ी कुछ बदला है। देखो, अक्सर हम बात करते हैं अभी लोगों के लिए, करीब 3.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे, उनको पह चुकी पूरी तरह सीमाएं बदली हैं। लेकिन जो बड़ी बात है, सवाल ये है कि मेगा जिले क्यों बनाए जाते हैं, छोटे जिले क्यों बनाए गए, मकसद क्या है? मकसद ये है कि आम जनता को राहत कैसे मिले। हम लगातार जब ऐसी तस्वीरें देखते हैं कि एक महिला डिलीवरी के दौरान मौत हो जाती है क्योंकि हॉस्पिटल नहीं मिला, हम आज भी अगर आज़ाद भारत में एक महिला को इलाज उपलब्ध नहीं करा पाते, वो दूरी पड़ती है, तो इन जिलों के बनने के बाद उम्मीद करेंगे ऐसी तस्वीरें देखने को ना मिले। हम उन बच्चों के लिए सोच सकते हैं जिनको अच्छा शिक्षण संस्थान नहीं मिलता, उनको दूर दराज के जिलों में जाना पड़ता है, उम्मीद करेंगे अच्छी शिक्षा हम पास में दे पाएंगे, शिक्षा की व्यवस्था सुधरेगी, चिकित्सा की व्यवस्था सुधरेगी, रोजगार की व्यवस्था सुधरेगी, और सुधरेगी कानून व्यवस्था। क्योंकि अगर जिला बहुत दूर, देखो जैसलमेर का आप जिक्र कर लो, जालौर का आप जिक्र कर लो, सांचौर में कोई घटना होती है तो जालौर से पहुंचने में 7-8 घंटे लग जाते हैं मेगा। तो जब ऐसी तस्वीर राजस्थान, क्योंकि राजस्थान आज देश का सबसे बड़ा राज्य है भौगोलिक दृष्टि से,
तो छोटे जिले बनाकर हम प्रशासन के एक ढांचा वहाँ खड़ा करेंगे, एसपी ऑफिस वहाँ खड़ा होगा, कलेक्ट्रेट ऑफिस वहाँ खड़ा होगा, तो उम्मीद करेंगे आम आदमी को राहत मिलेगी, आम आदमी को न्याय मिलेगा। और जो तमाम चीज़ों से हम आज भी लड़ रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो भुखमरी हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, इन मुद्दों से हम डटकर लड़ पाएंगे और एक अच्छे बेहतर राजस्थान के सपने को साकार कर पाएंगे। बिल्कुल लाल सिंह, और देखिए युवाओं की बात भी आप कर रहे थे, बेरोजगारी का जिक्र कर रहे थे, और जब इस तरह से जिलों का जिले बनते हैं या विस्तार किया जाता है जगह का, सबसे ज्यादा जो समस्या जिसका आपने सही जिक्र भी किया कि कैसे जो चाहे चिकित्सालय को लेकर हो, हॉस्पिटल्स को लेकर हो, दिक्कतें आती हैं, वो दिक्कतें हों, और चाहे फिर वो रोजगार की समस्या हो, उस रोजगार की बेरोजगारी की समस्या से निजात मिलती है, रोजगार मिलता है, तो ये दो चीजें तो समझ आती है। प्रशासन पास आता है तो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ती है, आप प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन आपके जो आपकी योजनाएं हैं, वो जो तमाम चीजें जो आप प्रशासन से चाहते हैं, उम्मीद करते हैं या सरकार आपको दे रही है, उन तमाम चीजों को आप अपने पास पाते हैं। देखिए बिल्कुल मेगा, एक बात है, अगर आज हम उम्मीद करें कि जैसलमेर की एक गांव ढाड़ी का आदमी चलकर जयपुर आता है अपनी समस्या को लेकर, तो सवाल खड़ा होता है क्या उसकी समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर नहीं हुआ, क्या जिला स्तर पर नहीं हुआ, क्या संभाग स्तर पर नहीं हुआ कि उसको राजधानी आना पड़ा। देखो सुशासन की जीत, सरकार की जीत मेगा कब होती है, जब एक आम आदमी को उसके पास ही न्याय मिल सके। एक व्यक्ति को क्यों न्याय के लिए राजधानी में दर दर भटकना पड़ता है मेगा, चूंकि वहाँ कहीं ना कहीं उसको वो न्याय नहीं मिल पाता है। अब चूंकि जिलों की दूरी, हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो मुझे लगता है कि ऐतिहासिक कदम है, इस लिहाज से कहूँगा आज कि राजस्थान में ये इतिहास क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लगातार लंबे समय से 40 सालों से मांग हो रही थी, और जो दूर दराज के जिले हैं, अपनी पहचान के साथ जिंदा जिले हैं, जो अपनी जिंदा दिली के लिए जाने जाते हैं, अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए जाने जाते हैं, वो जिले की मांग कर रहे थे। अब आप देखिए एक जिले का आदमी इतना दूर उसका मुख्यालय पड़ता है कि उसको आने में 4 से 5 घंटे लगते हैं, तो मेगा बताओ 4-5 घंटे उसको आने में लगेंगे, 2 घंटे अधिकारी बार मिलने में लगेंगे, उसको न्याय कब मिलेगा, ये दूरी से निजात मिलेगी। और सबसे बड़ी बात जो है वो मेगा ये कि एक स्ट्रक्चर खड़ा होगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर खड़ा होगा और वक्त के साथ धीरे धीरे जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत भी हो जाएगा।